नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं, क्या बताएं पहले, एनडी फिल्टर या पोलराइजर। तो चलिए पहले हम आपको बताते हैं एनडी फिल्टर के बारे में। तो एनडी फिल्टर बेसिकली एक फिल्टर होता है जो हार्श लाइट को जो है सो कम लाइट में कन्वर्ट करके जो है सो किसी भी चीज़ में भेजता है, चाहे वो कैमरा हो चाहे आई हो। आई के केस में जो है सो बहुत लोगों का आई सेंसिटिव होता है, धूप में ठीक से देख नहीं पाता है, तो वो लोग फोटोक्रोमिक ग्लास यूज़ करते हैं। जैसे हम भी पहले यूज़ करते थे, लेकिन मेरा ये ग्लास फोटोक्रोमिक नहीं है। अगर होता तो ये धूप में ऑटोमेटिक जो है सो ब्लैक हो जाता पूरा, और उसके बाद बेसिकली हार्ड सनलाइट जो है सो कम हो जाता है और उससे मेरे आँख में जाता तो हम क्लियरली जो है सो सब कुछ देख पाते हैं। अभी हम धूप में ही शूट कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मतलब धूप में इतना क्लियर इमेज कैसे आ रहा है, तो बेसिकली इसका रीज़न है कि मेरे ऊपर में छत है थोड़ा सा, जिसके वजह से जो है डायरेक्ट सनलाइट मेरे फेस पर नहीं पड़ रहा है, तो इसके वजह से जो है इमेज क्वालिटी थोड़ा बेहतर है। बड़े घटिया कैमरा से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बेहतर है। तो अब एनडी फिल्टर का ज़रूरत क्या है? तो एनडी फिल्टर जब कैमरा में आप बहुत लो शटर स्पीड आप पाने का कोशिश कीजिएगा और आपका पूरा चीज़ फेल हो गया, आईएसओ एकदम नीचे कर दिए हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं जी, अरे भूल जाते हैं यार, सॉरी भूल रहे हैं, जो भी हो, अरे जो वाइड लेंस का जो है सो ओपनिंग कंट्रोल करता है, एपरेचर, हाँ भूल जाते हैं एपरेचर। जब एपरेचर को एकदम पहुंचा दिए हैं ऊपर जितना मैक्सिमम है उस लेंस का, और फिर भी आप जो है सो नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं लो फ्रेम रेट, फ्रेम रेट कहा गया, फ्रेम रेट तो वीडियो में होता है, मतलब हाँ जो ही एकदम से एक समझ लीजिए फ्रेम रेट ही, तो शटर स्पीड, हाँ शटर स्पीड अगर आपका लो नहीं हो पा रहा है, तब जो है सो आप एनडी फिल्टर यूज़ कीजिएगा और आईएसओ को जो है सो आईएसओ तो पहले से ही कम है, उसके बाद आप जो है सो बेसिकली अपने एपरेचर को कम कीजिएगा एनडी फिल्टर के बाद। एनडी फिल्टर भी बहुत दो तरीके का होता है वैसे नॉर्मली, एक होता है वेरिएबल और एक फिक्स्ड होता है। वेरिएबल सिंपल सा बात है, नाम से पता चल रहा है कि उसको वेरिएबल घुमा घुमा कर जो है सो आप उसको ज़्यादा और कम कर सकते हैं। ये फ़ोन में भी जो है सो मतलब बेसिकली होता है, एक एनडी फिल्टर नहीं होता है, फ़ोन में भी होता है जो बेसिकली देखिए जो वेरिएबल एनडी फिल्टर होता है ना, उसमें दो लेयर रहता है, ठीक है। हम ये पहले भी एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं, फ़ोन के जो होता है ना, फ़ोन का एलसीडी, उसके नीचे में भी एक फिल्टर होता है, पता नहीं कौन सा होता है, लेकिन वो भी दो फिल्टर होता है। तो उसको ऐसे करके कीजिएगा ना, 90 डिग्री पलाइएगा ऐसे कीजिएगा, तो एक बार कीजिएगा तो वो जो है सो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और एक बार कीजिएगा तो पूरा ओपेक हो जाएगा। कहने का मतलब वो एक तरीके से एनडी फिल्टर ही समझ लीजिए। एनडी फिल्टर भी दो लेयर से काम करता है, बस अंतर होता है कि अगर आप पूरा ट्रांसपेरेंट पे लाइएगा तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, फिर भी थोड़ा थोड़ा जो है सो ओपेसिटी रहता है। तो एनडी फिल्टर का ऑब्वियसली काम ही है कि उसमें ओपेसिटी होना चाहिए। तो उम्मीद करते समझ गए होंगे, एनडी फिल्टर बस यूज़ किया जाता है कि लाइट को कम करने के लिए। एनडी फिल्टर कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा खेल नहीं है, वो लाइट कम करने के लिए। अब लाइट को कम करने के बाद जो है बहुत सारा उसका यूजेस आ सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े फोटोग्राफर हैं। जितने बढ़िया फोटोग्राफर होंगे उतना बढ़िया उसका उसका यूज़ कीजिएगा। तो उम्मीद करते वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो हमारे वीडियो को दे लीजिए थम्स अप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो फ्यूचर में भी देखने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक। Thank you.